Let's enlighten and memorize the environment by our lamp. Lightning ceremony. फिजियोथेरेपी ने धीरे धीरे बहुत ही अहम स्थान हासिल कर लिया है और इस विधा से जुड़े भाइयों बहनों को बहुत सम्मान भी मिल रहा है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। पिछली बार भी मुझे आपके कार्यक्रम में आने का अवसर मिला था, लेकिन उस समय मैं हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं देखता था। आपके जो सुझाव हैं उनको किस प्रकार गवर्नमेंट ऑप्ट कर सके आम जनता की सुविधाओं के लिए, और आप और अच्छा क्या कर सकते हैं, हमें लगता कि आज आप डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमें एक पत्र सौंपेंगे, उस आधार पर हम आगे बढ़ करके हम अपनी गवर्नमेंट की योजनाओं में जिस ढंग से उसको समाहित कर सकते हैं उस पर हम गंभीरतापूर्वक जरूर विचार करेंगे। दम उठाए और मिल गई मंजिल, अरे मजा तो तब है जब अपने कर्मों की पैरों में थकान रहे, तो इस थकान के साथ उस एंजॉयमेंट को, उस कर्म को करते जाएं और गीता का अनुसरण करते हुए फिजियोथेरेपी को आगे बढ़ाते बढ़ाते जाएं, यही मेरी कामना है आप लोगों से सबसे। फिजियोथेरेपी और यूपी कॉन में फिजियोथेरेपी को आगे बढ़ाने के लिए शुक्ला सक्सेना साहब का और शुक्ला साहब का और जितने टीम मेंबर्स हैं, नम्रता मैडम और सारे लोग, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया आईएपी की तरफ से, एंड थैंक यू, वी विल रॉक फॉर श्योर, थैंक यू। यूजुअली जब आप लखनऊ में होते हो तो आपको पढ़ाने से ज्यादा शायरी साथ शेरो शायरी करने की इच्छा होती है, और जितने जितने यहाँ पे यंगस्टर्स हैं, पढ़ना तो ठीक है एक अपनी जगह पर है, पढ़ने के अलावा पढ़ाई का करना क्या, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अचानक मैं यहाँ पे भी खड़ा हुआ तो मुझे याद आया कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो सिद्धत से उछालो यार। तो हर कोशिश उस आसमां की तरफ है, हर कोशिश उस डायरेक्शन में है कि कुछ अच्छा कर जाए। सेक्रोइलिक जॉइंट, मैं इसको एक सौतेला जॉइंट मानता हूं, ऊपर वाले ने स्पाइन बनाई, इसको साइड छोड़ दिया। ऐसे ही हम क्लिनिशियंस भी करते हैं, हमने स्पाइन चेक कर लेते हैं एंड देन वी लीव सेक्रोइलिक जॉइंट ऑन साइड। सो दैट्स व्हाई आई से इसे कुछ सेहत और सौतेला सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉज करती है। हम लोग ये सोचते हैं कि सेक्रोइलिक जॉइंट इज समथिंग जो जॉइंट इटसेल्फ इज हैविंग सम प्रॉब्लम, बट अगर आप जॉइंट को ध्यान से देखो, जॉइंट को ध्यान से समझो, तो आपको ये नजर आएगा कि जॉइंट जो है वो स्टार्टिंग में तो स्मूथ होती है जब आपकी अर्ली एज होती है, बट जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो उसमें एक रिजेस डेवलप होती है, और वो रिज होती है आपने पढ़ी होगी एनाटॉमी में। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि जैसे ही हमारा इंबैलेंस बढ़ता जाता है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रोटेशन ऑन योर पेल्विक गर्डल, योर इलियम कैन टिल्ट फॉरवर्ड और इलियम कैन टिल्ट बैकवर्ड, that is the secant position what can happen, or ilium can, I am talking about when I am comparing with the sacrum, so ilium can move forward, that is also a possibility, and it can go back, that is also a possibility, aur aam taur pe kya hota hai ki agar usually jab ye forward jayega aage ki or jhukega to bahut sare cases mein ye hota hai ki agar ye bahut zyada tight ho jaye yahan se jo common hota hai sare khate pite ghar wale logon mein, तो ये अंदर की तरफ मिल जाएगा, राइट।
तो मैं अगर ये समझो कि क्या होता है हमारे पेल्विस में, क्या हो सकता है, दिस कैन शिफ्ट फॉरवर्ड, दिस इन कंपैरिजन टू सेकंड फॉरवर्ड, टिल्टिंग फॉरवर्ड एंड गोइंग इनसाइड, दैट इज द मोस्ट कॉमन थिंग विद व्हाट कैन हैपन टू योर पेल्विस इफ यू हैव समथिंग वेरी मच फुल ऑफ कचोरी, राइट। मुझे फंसाने में बहुत मजा आता है जो, तो फंस गए तो मैं बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालने वाला हूं, होपली, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दिस इज अ जॉइंट। मैं एनाटॉमी में तो ज्यादा नहीं जाऊंगा, बड़ा क्यों नहीं भाई, और पास आओ। यस, सो अगर अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है और वो बच्चा होता है, मान लो 0 से 20 का, तो मैं उसके सेक्रोइलियक जॉइंट पे कुछ भी यूजुअली फील नहीं करूंगा, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई सेक्रोइलियक जॉइंट की प्रॉब्लम होगी। लेकिन वो 20 से 40 के बीच आता तो हो सकता है कुछ शुरुआत हुई हो, और आपने देखा होगा हम लोग अक्सर सुनते हैं एंकाइलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस, बहुत कॉमन है, बहुत सारे पेशेंट्स हमें मिलते हैं फिजियोथेरेपी में, तो अगर हम उसके बारे में सोचे तो वो कुछ इसी एज में शुरू होता है, 20 से 40 के बीच, यूजुअली 20 के आसपास, और इसके आगे चले तो 40 से 60 इज अ टिपिकल टाइम, जिसको मैं मेरे वर्ड्स में बोलता हूं कि हमारी ज्वालामुखी जो हमने संचय करके हमारे शरीर में रखा हुआ वो फूटना शुरू होती है, चाहे वो ट्रिगर पॉइंट्स हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो इम्बैलेंस हो, चाहे वो लिगमेंट्स की प्रॉब्लम हो, व्हाटएवर यू से, दैट स्टार्ट्स मेनली ड्यूरिंग द 40 to 60 इयर्स एज अ मैनुअल थेरेपिस्ट, एज अ क्लिनिशियन, हो गया। सो एज अ क्लिनिशियन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि SI है क्या, ये साइनोवियल है एंटीरियरली और पोस्टीरियरली फाइबरस है, तो ये कुछ मूवमेंट अलाउ करती है, बट बहुत ज्यादा मूवमेंट यहाँ पे तो समय के साथ बदल जाती है, क्या होता है, ओनली पॉजिटिव पॉइंट्स, 0 to 20 स्मूथ ग्लाइडिंग प्लेन्स होते हैं, 20 to 50 इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज होती है, 50 के बाद थोड़ा सा हाइपोमोबाइल होने लगती है, और 80 के बाद लगभग फ्रीज हो जाती है। तो ऐसा ना हो कि कोई दादाजी आए आपके पास, बोलो झा सर ने बोला था एपी ग्लाइड मारो, और दादाजी को आप एपी ग्लाइड मार के जल्दी जल्दी राम जी के पास पहुंचा रहे, ध्यान रखना दादाजी पे आपको ग्लाइड नहीं देनी, और साथ में ध्यान रखना अगर झटका भी सीखा आपने तो वो भी नहीं देना। इनको मैं स्किप करता हूं, ये फीमेल्स में बहुत कॉमन होती है ये प्रॉब्लम, आप सबको पता है ज्यादा लैक्स लिगामेंट्स हैं उनमें, दे हैव टू बेयर चाइल्ड, सो दिस इज क्वाइट कॉमन इन फीमेल्स। और मैं आपको बता दूं, मैं कितने फीमेल्स बोलती है कि सर हमारे पास क्लिनिक नहीं है, हमारे पास काम नहीं है, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ सेक्रोइलिक जॉइंट सीख लो, सिर्फ प्रेगनेंसी सीख लो और फिटनेस आफ्टर प्रेगनेंसी सीख लो, आपका काम खत्म है, आपको फिजियोथेरेपी में और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पास करने का, इतने से ही आपका काम चल जाएगा। बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं आजकल। मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि पैसे कैसे कमाओगे,